अक्सर राजनीति के कई किस्से समय समय पर सामने आते रहते हैं, जिससे राजनीति के गहरे गहरे राज निकलते हैं। आज भी कुछ ऐसे ही राज खुलेंगे जो शायद ही आपने पहले कभी सुने हो, क्योंकि इन राजनीतिक घटनाओं के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। इस बारे में बताने से पहले आपको बता दें कि हाल ही में पीएम मोदी ने देश के पूर्व पीएम नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि गांधी परिवार और नरसिम्हा राव के रिश्ते अच्छे नहीं थे, और इसी के चलते कांग्रेसियों ने भी उनसे दूरी बना ली थी। तो चलिए आपको बताते हैं इसके कारण। पहले आपको बता दें कि नरसिम्हा राव कांग्रेसी थे। वो 1991 से 1996 तक देश के पीएम रहे। नरसिम्हा राव को देश में आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू करने के लिए जाना जाता है। 1991 में जब उन्होंने करीब करीब हैदराबाद जाने के लिए बोरिया बिस्तर बांध ही लिया था, तो अचानक इनकी जिंदगी पलट गई। ये वो दौर था जब 1991 में कांग्रेस में वो हाशिए पर थे। तभी राजीव गांधी की जान चली गई और सियासी परिस्थितियों के बीच अचानक पीएम पद पर इन्हें बिठा दिया गया, और उसके बाद इनका सियासी करियर फिर चल दिया। इस बारे में कई लोगों ने लिखा है। मशहूर पत्रकार और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू ने अपनी किताब 1991 हाउ पीएम नरसिम्हा राव मेड हिस्ट्री में लिखते हैं कि नरसिम्हा राव देश के पहले एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर थे। 1992 में जब अयोध्या में बाबरी विध्वंस हुआ, तो गांधी परिवार से उनके रिश्तों में दरार आनी शुरू हो गई। बता दें कि पीवी नरसिम्हा राव जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तब सोनिया गांधी राजनीति में इतनी एक्टिव नहीं थी। हालांकि पार्टी अध्यक्ष और फिर पीएम बनने के बाद नरसिम्हा राव की सोनिया गांधी से तल्खी की खबरें आम हो गई। वरिष्ठ पत्रकार राशिद किदवई अपनी किताब भारत के प्रधानमंत्री में लिखते हैं कि अयोध्या विवाद हल करने में राव की अक्षमता, आर्थिक सुधारों की पहल, राजीव गांधी की जान जाने के मामले में जांच सुस्त रफ्तार तथा राव के करीबी लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप जैसे मुद्दों ने 10 जनपद और 7 रेस कोर्स रोड के बीच और दूरी बढ़ा दी। इतना ही नहीं, ये तलखी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि राव के निधन के बाद तक देखी। गांधी परिवार से उनके रिश्ते इस कदर बिगड़ गए कि उनका अंतिम संस्कार भी नई दिल्ली में नहीं होने दिया। 23 दिसंबर 2004 को जब एम्स में राव का निधन हुआ, तो शाम 4 बजे के करीब उनका शव 9 मोतीलाल नेहरू रोड स्थित आवास पर लाया गया। वहां पहुंचे तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने राव के बेटे प्रभाकर राव को हैदराबाद में अंतिम संस्कार करने की सलाह दी। इस पर वह तैयार नहीं थे। बाद में सोनिया गांधी के करीबी गुलाम नबी आजाद ने भी ये सलाह प्रभाकर को दी, और इसके बाद आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस राजशेखर रेड्डी ने प्रभाकर को इस बात के लिए मनाया। बता दें कि राव का पार्थिव शरीर एम्स में 9 मोतीलाल नेहरू मार्ग स्थित उनके आवास पर लाया गया। राव का परिवार चाहता था कि उनका अंतिम संस्कार यहीं दिल्ली में किया जाए, लेकिन कांग्रेस, खासकर सोनिया गांधी, इसके बिल्कुल खिलाफ थी, और यहीं से उनके पार्थिव शरीर को एयरपोर्ट पर ले जाया गया।